महाराष्ट्र की सियासी महाभारत आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। तीन जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ये सुनवाई करने वाली है। शीर्ष कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस किया है जारी। सुबह 10:30 बजे ये सुनवाई होनी है। काफी अहम है आज का दिन। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें, सियासत की अगर बात करें, मामला कोर्ट चला गया क्योंकि जिस तरीके से सीएम की तरफ से शपथ ली गई, डिप्टी सीएम अजीत पवार को बनाया गया, लेकिन उसके बाद एनसीपी की तरफ से कहा गया कि वो इसमें साथ नहीं है। अब साबित करना है बहुमत। हालांकि अभी इसमें वक्त है कि बहुमत साबित कब किया जाता है, कब स्थिति बन पाती है, लेकिन फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और आज कोर्ट में कई अहम सबूत पेश करने का दिन था। तो रुक करते हैं हमारे संवाददाता अनिल मोर का। अनिल मोर, जिस तरीके से आज ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट की तरफ से वो चिट्ठियां भी मंगवाई गई थी कि राष्ट्रपति शासन हटाया गया, सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया, क्या कुछ आज रह सकता है? बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है क्योंकि जो महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा विवाद सामने आ रहा है, जिस तरीके से फडणवीस ने शपथ ली, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शपथ ली, उसके बाद याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण याचिका पर आज सुनवाई होगी और जो पिछली सुनवाई हुई थी एक दिन पहले, उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी पार्टी को कहा था कि जो एक संबंधित जो पत्र है, खासतौर पर जो फडणवीस की तरफ से जो वोट ली गई, जो विधायकों का समर्थन पत्र वहां पर दिखाया गया, वो पत्र यहां पर मांगा गया है। इसके अलावा ये भी मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अगर बात करें महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू था, अगर वहां पर नई सरकार ने शपथ लिया तो उस शपथ के पहले जब राष्ट्रपति शासन वहां पर हटाया गया होगा, जो वहां पर फैसला केंद्र की तरफ से लिया गया था उस पत्र की कॉपी भी यहां पर मांगी गई। इसके अलावा जो विपक्ष है, जो याचिकाएं लगाई गई उनकी तरफ से विपक्ष मांग कर रहा है कि जो फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट वहां पर तुरंत करवाया जाए, जिस तरीके से राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और डिप्टी स्पीकर डिप्टी सीएम को वहां पर पद की शपथ दिलाई, कहना कि वो संविधान की मर्यादा के खिलाफ, तो इस मामले पर तकरीबन 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कहना कि केंद्र की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो विपक्ष है, जिन खासतौर पर एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, उनकी तरफ से जो याचिका लगाई गई है, सबकी तरफ से अपने अपने दावे सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। तो एक तरफ सबकी तरफ से अपने अपने दावे रखे जाएंगे, बहस हो सकती है आज और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि अब क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो एक तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं और दूसरी तरफ है अजीत पवार। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल मोर। तो आज शीर्ष कोर्ट में सभी पक्ष अपना रखने वाले हैं और जिस तरीके के हालात बने हैं महाराष्ट्र में, पहले राष्ट्रपति शासन लगा था और उसके बाद बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन से सरकार बनाई गई, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन शरद पवार की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई और इस बैठक के बाद से कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम विधायकों को होटल हयात में कल शिफ्ट किया गया था और विधायकों की तरफ से यहां तक कहा गया था कि शायद उनकी जासूसी तक हो रही है, सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं और स्थिति स्पष्ट होने में अभी वक्त लग सकता है।